नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे FCI भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भारतीय खाद्य निगम की तरफ से जो आपकी ऑफिशियल वैकेंसी निकली थी उसकी आपकी लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी गई है। जो भी इंटरेस्टेड जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, 9,000 से ज़्यादा पदों पर आपके आवेदन निकले हुए हैं। वैकेंसी कौन कौन सी पोस्ट पर निकल चुकी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, एज लिमिट का क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला, पूरा डिटेल में इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, भारतीय खाद्य निगम की तरफ से आपकी ऑफिशियल वैकेंसी निकल चुकी है, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपके www.fci.gov.in रहने वाली है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, आपको बता दूं कि यहाँ पे ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड और ग्रेड फोर्थ के पदों पे आपकी वैकेंसी निकल चुकी है। वैकेंसी मैंने कैटेगरी वाइज भी बता दिया कि कौन सी कैटेगरी में कितनी पोस्ट रहने वाली है। अब आपको टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कौन कौन सी है, इसके अलावा कितनी पोस्ट निकल चुकी है वो भी बता देते हैं। फूड इंस्पेक्टर के पदों पर आपकी वैकेंसी निकल चुकी है, कैटेगरी वाइज भी मैंने पूरा डिटेल में बता दिया है। असिस्टेंट ग्रेड सेकंड के पदों पे, टाइपिस्ट के पदों पे आपकी वैकेंसी निकल चुकी है, स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड और वॉचमैन के पदों पे आपकी वैकेंसी निकल चुकी है। ये वैकेंसीज आपकी ऑल इंडिया लेवल की रहने वाली है। इस वैकेंसी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो फूड इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन, असिस्टेंट ग्रेड सेकंड की पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन, टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए 12th पास, स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए 10वीं पास और वॉचमैन की पोस्ट के लिए भी 10वीं पास मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है। और अलग से क्वालिफिकेशंस की अगर बारे में आपको जानना है तो पूरा नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड कर सकते हैं। दोस्तों, आगे हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहेगा। सिलेक्शन आपका शॉर्टलिस्टिंग और इंटरव्यू बेसिस पे होने वाला है। कुछ पोस्टों पे आपका रिटन एग्जाम भी कंडक्ट करवाया जाएगा। फाइनली जो शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट्स होंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए शॉर्ट हैंड आपकी करवाई जाएगी। एज लिमिट का क्राइटेरिया मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष का रहने वाला है। इसके अलावा SC ST को 5 साल का, OBC कैंडिडेट को 3 साल का और PWD कैंडिडेट को 8 साल का रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। दोस्तों, पेमेंट ऑफ फीस की अगर हम बात करें तो UR OBC EWS कैंडिडेट्स के लिए 450 रुपये, वही SC ST फीमेल PWD कैंडिडेट के लिए मात्र 250 रुपये आपकी फ़ीस रहने वाली है। फीस का पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं, जो कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग आपका रहने वाला है। इसके अलावा ऑफलाइन एप्लीकेशन आपके यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग डेट आपकी रजिस्ट्रेशन की 5 सितंबर थी, लास्ट डेट आपकी 5 अक्टूबर थी, लेकिन अभी एक्सटेंड करके 20 अक्टूबर कर दी गई है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है 20 अक्टूबर से पहले पहले आवेदन जरूर कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स आपको बता दूं कि रिसेंट फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज और सिग्नेचर हिंदी और इंग्लिश में, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, 10वीं और 12वीं का सर्टिफिकेट आपको फॉर्म भरते समय चाहिए होगा, तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास में रखिएगा। FCI का पूरा डिटेल में सिलेबस बता रखा मैंने, इंग्लिश लैंग्वेज का आप सिलेबस चेक कर सकते हैं। रीजनिंग एबिलिटी का पूरा डिटेल में मैंने सिलेबस बता रखा है। इसके अलावा FCI का न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, मैथ्स का पूरा डिटेल में सिलेबस बता रखा है। आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा इस सिलेबस को। 9,000 से ज़्यादा पदों पे आपके आवेदन मांगे जा रहे हैं, वैकेंसी के लिए आवेदन ज़रूर कीजिएगा। अब मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।